الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद हमारे इस कोर्स जिसका नाम आलिम आलमा कोर्स है। एक बड़ा जेनेरिक सी बात है कोर्स दर्स निज़ामी जिसको हम कहते हैं। आप सब ने इसको चुना, इसके लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि आप सब इस टाइम पे, मैं समझता हूँ, उन चुनिंदा लोगों में से हैं, सिलेक्टेड लोगों में से हैं कि जो दीन के इल्म की तरफ आगे बढ़े। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या इल्म रखने वाले, और कह दीजिए कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? ऐसा शख्स जिसको पता हो किसी चीज के हवाले से, ऐसा शख्स जिसके पास किसी चीज की नॉलेज हो, क्या वो उसके बराबर हो सकता है जिसको नहीं पता? अगर इस आयत का पसे मंजर देखें तो एक आयत पहले ही अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या वो शख्स जो रात को इबादतें करता हो, दिन रात अल्लाह के सामने क्याम करता हो, सजदे करता हो, क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो नहीं करता? क्या दिन रात बराबर हो सकती है? नहीं हो सकता। तो इसी तरह इल्म रखने वाला और बगैर इल्म वाला शख्स बराबर नहीं हो सकते। तो ये बात अब आप ये समझ लीजिए, जिस दिन आपने इस कोर्स को अपने लिए चुना और इस कोर्स को करना स्टार्ट किया, आपका स्टेटस इस दुनिया में भी और आखिरत में भी एक डिग्री एलिवेट हो गया, ऊपर चला गया दूसरे लोगों के मुकाबले में। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसको करते रहे, अपनी तमाम तर तवानाई, तमाम तर कोशिशें, अपना हर रिसोर्स इस दीनी इल्म के लिए लगाया, तो फिर आप वाकई चुनिंदा लोगों में से हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि, बल्कि हदीस है, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अगर आपने ये दीन पढ़ना, समझना, अपने अंदर उतारना शुरू कर दिया, तो फिर आप समझेंगे आप अल्लाह के उन लोगों में से हैं जिन्होंने अल्लाह ने उनके साथ खैर का इरादा किया है। अपना तारुफ भी कराऊंगा मैं, लेकिन मैं अपने तारुफ से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबको एक बड़ा भरपूर सा वेलकम और एक तारुफ, एक खुशामदीद कहूं, आप लोगों को मुबारकबाद दूं। यहां तक पहुंचना ही मैं समझता हूं आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस काम की नियत करना ही बहुत बड़ी इबादत है। यानी सलफ कहते हैं कि जो उसके लिए खुशखबरी है, अहादीस में भी आती है ये बात, कि जो शख्स इस नियत के साथ दीन का इल्म हासिल करता है कि वो आगे बढ़ के अपने आप को फायदा पहुंचाएगा और उस इल्म से दुनिया को फायदा पहुंचाएगा, दीन का अहया करेगा, उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ, इसी तरह अल्लाह कुरान में फरमाता है कि
हम उनके लिए जिनके लिए यानी हम ये इल्म कुरान की जो कुरान का जो इल्म है अपने चुनीदा लोगों को देते हैं। ये आयत किसी को याद है? गालिबन सूरे फातिर की याद है। हम इस्तफा चुन लेते हैं और उन लोगों को अपने चुनिंदा लोगों को हम दीन का इल्म देते हैं। तो बहरहाल आजकल के इस पुरफितन दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में, मटेरियलिज्म और लिबरलिज्म के इस वबा में इंसान दीन का इल्म हासिल करने आए, वाकईतन वो शख्स काबिले तहसीन है, वाकईतन वो शख्स एक ऐसा शख्स है जिसकी तारीफ की जा सकती है। तो मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको, कोर्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, ये कोर्स 5 साल कोर्स है, इसमें मुख्तलिफ आपको असबाक पढ़ाए जाएंगे। नाम तो इसका नाम आलिम आलमा है। इसकी हकीकत पे भी कुछ बात करेंगे। पहले मैं कुछ अपने हवाले से बता दूं, आप सबको पता है मैं इंशाल्लाह आप सबको कुछ ना कुछ तफसीर पढ़ाऊंगा, कुरान का तर्जुमा कुछ ना कुछ आप सबको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप सब सबसे पहले मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस काम में, आप लोग को पढ़ाने में इस्तेकामत अता करे। और जी बिल्कुल माशाल्लाह, ये आयत ले आई ये। हाँ, सुम औरसनल किताब अल्लजी नस्तफीना मिन इबादिना, हम इस किताब का वारिस ही उन लोगों को बनाते। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या अल्फाज चुने। सुम औरसनल किताब अल्लजी नस्तफीना मिन इबादिना, हम उस किताब का, हम इस किताब का वारिस। देखें, एक कहते हैं ना हम अता करते हैं। वारिस, आप सबको पता होगा कि वारिस जब इंसान का कोई बड़ा इंतकाल कर जाता है, जिस लम्हे वो इंतकाल करता है, द वेरी मोमेंट वो शख्स इस दुनिया से जाता है, तो उसके जो माल, उसके जो लवाहिकीन, जो शरीफ वरसा होते हैं, उसी वक्त उसके माल के मालिक बन जाते हैं। और वो शरई हक, वो माल, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो भले कोई अता ना करे, कोई दुनियावी तौर में ले जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा जी हम वारिस ही उन लोगों को बनाते हैं इस किताब का, जिनको हम चुन लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं भी इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि कुरान के हवाले से कुछ बातें आप सबको बताऊं। हम इंशाल्लाह सूरह बकरा का मुख्तसर, उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ेंगे, और इसमें साथ साथ हम मतलब तर्जुमे के साथ साथ बेसिक कुछ बातें सीखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो बहुत बेसिक हो सकता है किसी को लगे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो मैं एक एक मीडियोकर सा पेस अपनाऊंगा, एक दरमियानी राह को अपनाऊंगा, ताकि अक्सरियत को वो बात समझ आ जाए। और मेरे हवाले से भी मैं आपको बता दूं, मैं अल्लाह के फजल व करम से जो इदारा जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, बुरूज इंस्टीट्यूट, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान और अल्लाह की बड़ी तौफीक हुई मेरे साथ कि अल्लाह ने मुझे इस अजीम काम के लिए, काम को करने का मौका दिया, और इस वक्त इस इदारे के जितने भी मामलात हैं उसको मैं हेड कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आप मेरे लिए भरपूर दुआ कीजिए कि मैं आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, अल्लाह मुझे भी इस्तेकामत दे, और इसके साथ साथ
इस इदारे के मामलात को चलाने में भी अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, मजीद तौफीक दे कि मैं इसको बेहतरीन अंदाज में, आसान अंदाज में अदा कर सकूं। तालिब इल्म भी एक मुसाफिर की तरह होता है, वो रास्ता, वो सफ़र, दुनिया के मुसाफिर तो दुनिया से दुनिया की तरफ जाते हैं, शहर से शहर जाते हैं, मखलूक से मखलूक की तरफ जाते हैं, ज़मीन से ज़मीन तक जाते हैं, लेकिन तालिब इल्म, इल्म का मुसाफिर ज़मीन से जन्नत की तरफ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। अल्लाहु अकबर। कि जो शख्स ऐसी राह पर चले कि जिस पर वो तलब इल्म करे, हासिल करे, तलब इल्म की राह पे चले, इल्म हासिल करने चले, अल्लाह ताला उसके जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। तो आप भी मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है, और वो मुसाफिर जो जन्नत की तरफ जाए उसकी दुआ तो बिलौला कबूल होती है। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए, अपने लिए और इस इदारे के लिए दुआ कीजिए इस्तिकामत की। अल्लाह हमारी इन मेहनतों को कबूल करे, हम सब के दिलों में बे इंतहा इखलास पैदा करे, हमारे पढ़ने वालों के दिलों में, पढ़ाने वालों के दिलों में, इस इदारे के चलाने वालों के दिलों में, सबके दिल में इखलास पैदा करे और उनकी कोशिशों को, इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरा ये एक बहुत बेसिक सा एक पहला इंट्रोडक्शन यही था कि जी मैं इस इदारे को चला रहा हूँ, और दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं मैंने अपनी पढ़ाई, पहले जो दुनियावी तालीम थी, पहले मैंने दीन नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से ही, शायद जैसा दिख रहा हूँ आपको बचपन से ऐसा नहीं था, अल्लाह की तौफीक थी तो अल्लाह ने थोड़ा बहुत इस रास्ते पर लगाया। तो मैंने अपनी स्कूलिंग ओ लेवल्स, ए लेवल्स किया यहाँ लोकली कराची से, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल कराची, फिर उसके बाद निक्सर कॉलेज, फिर उसके बाद मैंने आईबीए से बीबीए किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के साथ मैंने फिर ए लेवल्स में दीन की तालीम स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद कराची में एक मदरसा है जामिया अबू बकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एक ज़माने में बहुत बड़ा नाम था, लोग मदीना यूनिवर्सिटी को जिन छोड़ के, या फिर जिनको मदीना यूनिवर्सिटी दाखला नहीं मिलता था वो फिर यहाँ जामे बकर आते थे, यहाँ पे पढ़ते थे। यहाँ सारी पढ़ाई अरबिक में होती है, क्लास में क्वेश्चन आंसर सब अरबिक में होते हैं। तो मैंने पहले इधर पढ़ा, इधर से ग्रेजुएट हुआ, फिर उसके बाद महदुसलफ़ी शेख अब्दुल्ला नासर रहमानी हफीज़ाउल्ला का जो मदरसा है वहाँ मैंने पढ़ा, और वहाँ पर शेख साहब से भी पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, और दीगर और उलमा से मैंने अल्लाह की तौफीक से कुछ ना कुछ जितना हो सका पढ़ने की कोशिश की। अभी भी पढ़ता रहता हूँ, अभी भी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, जितना आपको पढ़ाता हूँ वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए पढ़ाता हूँ। तो ये ये कह लीजिए एक बेसिक सा मेरा इंट्रोडक्शन है, बाकी इसके साथ साथ आपको बहुत सी मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज, वाकयात पढ़ाई के दौरान आपको बताता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये तो पढ़ाई का हिस्सा ही रहेगा। मेरे स्टूडेंट्स ये बात बखूबी जानते हैं कि मेरी बहुत सी बातें स्टूडेंट्स से ज़्यादा अरसा छुपी नहीं रहती, मैं बहुत अपनी पर्सनल बातें क्लासेस में शेयर भी करता हूँ, अपनी जो मैंने पढ़ाई के दौरान मेरी स्टोरीज हैं वो भी शेयर करता हूँ, ताकि उससे आप सबको भी सीखने को मिले। और मेरा नाम अगर बहुत से लोगों को नहीं पता तो मेरा नाम ताहा है, ताहा पाशा, ये ब्रूज की वेबसाइट पर ही मौजूद है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी है। और कोई सवाल आप लोग करना चाहते हैं? बुक का नाम, बुक जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ये बहुत ही अमेजिंग बुक है, और इसका नाम बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग इस किताब से मुतारिफ भी हैं,
और ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तब्दील कर दी, और कई लोगों को ये किताब जबानी हिफ्ज़ वो किताब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो किसी ने कोई गैस किया मैं क्या पढ़ाऊंगा? जी बेहतरीन, मैं आप सबको कुरान पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि मैं आपको कुरान पढ़ाऊंगा, यही वो किताब है कि जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, यही वो किताब है कि जिसने लाखों करोड़ों की जिंदगी तब्दील कर दी, यही वो किताब है कि जो करोड़ों के दिलों में आज भी महफूज है। तो मैं इंशाल्लाह इसी कुरान को हम फॉलो करेंगे और इसी का मैं मुख्तसर तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह करूंगा। मैं चंद तफासीर देखता हूँ, वो आपके साथ भी शेयर करूंगा, कुछ तफासीर आपको भी रेकमेंड करूंगा, वो आप खरीद सकते हैं, बरूज से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खोल सकते हैं। मैं कह दूंगा, वो आपके साथ पीडीएफ्स भी शेयर कर देंगे, वक्त के साथ साथ कुछ तफासीर भी आप लोग को बताता रहूंगा। लेकिन अगर आप लोग ने सही मानों में सीखना है, सही मानों में तर्जुमा आप लोगों ने करना सीखना है और उसकी तफसीर सीखनी है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ऐसा कुरान अपने पास लीजिए जिसमें नीचे तर्जुमा ना लिखा हुआ हो। ठीक, तर्जुमा ना लिखा हुआ हो, नंबर वन। नंबर टू, हम जब क्लास में पढ़ें तो आप खुद तर्जुमा लिखें। नंबर थ्री, जो बातें मैं अलग से बताऊं वो भी लिखें। और नंबर फोर, आप क्लास के बाद उसको जाकर एक दफा सिर्फ देख लें। इस तरह आपको बहुत मुख्तसर से अरसे में, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको कुरान का तर्जमा करना आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, हम इस साल सूरह बकरा को अपना टारगेट बनाकर उसको पूरा करेंगे। पूरे 5 सालों में इंशाअल्लाह आपको पूरे कुरान का तर्जुमा पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे कुरान का अगर ना भी हुआ, बहरहाल पूरी ये कोशिश है, लेकिन डिवाइडेड सिलेबस ऐसी ही है, वो तो फिर हर साल के बाज़ मशाइख की अपने ऊपर होता है। ये है कि आप 90-80-90% कुरान पूरा तर्जुमा तफसीर के साथ आप इंशाअल्लाह इस अरसे में पढ़ लेंगे। इस साल हम सिर्फ सूरह बकरा पढ़ेंगे। क्लास हमारी हफ्ते में 2 दिन है, एक एक घंटे की क्लास है, एक बात। दूसरी बात, ये सवालात माशाल्लाह इस वक्त आप लोग, मैं देख रहा हूँ 530-540 की तादाद में इंशाल्लाह माशाल्लाह मौजूद हैं, तो ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर है। पिछले साल जो हमारा था नंबर, पिछले साल जो हमारा ये तादाद थी फर्स्ट ईयर में, इट वाज अराउंड 140-150, 150 के करीब थी पहले दिन, आज माशाल्लाह मल्टीप्लाई है, मैं देख रहा हूँ 4 टाइम्स है। ये भी अल्लाह का एक करम है, प्लस प्रॉब्ली इस आज की दुनिया के हालात की वजह से भी। तो सवालात आप लोग कोशिश कीजिए कम कीजिए, चैट को कम से कम यूज कीजिए। ठीक है, कमेंट्स ना कीजिए, सिर्फ अगर कोई सवाल है तो वो कीजिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बातें लिखनी जरूरत नहीं आपको। ठीक, आपने सिर्फ मोबाइल अपने सामने रखना है, मोबाइल से कीपैड से अपना हाथ हटा दीजिए। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, जो सवाल है वो नोट डाउन कर लीजिए, क्लास के आखिरी 15 मिनट में वो सवाल आए, आखिरी 15 मिनट में वो सवाल कीजिए। प्लस इसके अलावा हम एक ग्रुप बनाएंगे, जो सवाल आपके क्लास में हल नहीं होंगे वो आप उस ग्रुप्स में भेज सकते हैं, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में वो बन जाएगा। तो फिर वो शॉर्टलिस्ट होके सवालात टीचर को पहुंचा दिए जाएंगे और वो जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी कहा कि ज्यादा सवाल ना कीजिए, सिर्फ सिर्फ बेसिक जो आपका जो जरूरी सवाल है वो कीजिए, कमेंट्स ना कीजिए, गैर जरूरी सवाल ना कीजिए, जो पढ़ाई से रिलेटेड सवाल हो वो ही कीजिए। ठीक है, अच्छा जी, चलो
अच्छा, कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने से पहले हम कुछ उसूलुल कुरान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसूलुल कुरान, या फिर कह लीजिए कुछ उसूलुल तफसीर, या फिर कुरान से मुताल्लिक कुछ बातें हम सीखेंगे। ठीक, ये नोट्स की शक्ल में है, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। थोड़े अरसे में आपको किताब का या नोट्स भी आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, बेहतर ये है कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने चैट में पढ़ी। अच्छा, आप लोग जितनी चैट करते रहेंगे मैं उतना डिस्टर्ब होता रहूंगा, सही? अगर आप लोग ज्यादा चैट पे क्वेश्चंस लिखेंगे तो क्या होगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर जाऊंगा। ठीक, नंबर वन, या तो देखूंगा नहीं तो क्वेश्चन मिस कर जाऊंगा। अगर देखूंगा और बहुत ज्यादा बातें होंगी तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा जहन बटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कम से कम मैसेजेस टाइप कीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम से कम रखिए, और सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल कीजिए। ठीक है जी। हाँ, यहाँ एक सवाल आया था कि जी जो ऑनलाइन फॉरेन, तो माशाल्लाह सभी ऑनलाइन है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन जो जिनको उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, शायद मेरी उर्दू के कुछ टफ जो वोकैबलरी है वो शायद उनको समझ ना आए, तो वो आप लाजमी पूछें। ठीक, वो आप लाजमी पूछें। प्लस आप लोग एक दूसरे को जरूर हेल्प आउट कीजिए। ठीक, सबसे पहला जो एक तालिब इल्म का दूसरे तालिब इल्म पे हक है वो ये है कि वो जो राइट है वो ये है कि वो उसको जरूरत के वक्त दूसरे को हेल्प आउट करे। अगर हमारा मकसद सीखना है, हमारा मकसद दीन की मदद करना है, हमारा मकसद दीन को आगे पहुंचाना है, तो उसमें सबसे पहले हम अपने कॉलीग, अपने क्लास फेलो की मदद करें ताकि वो सीखे और वो भी आगे जाके अच्छे से पढ़ा सके। ठीक, मेल्स और फीमेल्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मेल्स मेल से पूछें, फीमेल्स फीमेल से पूछें, इधर आपस में चैट ना करें। ठीक, अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डिस्कस कीजिए और देख लीजिए कौन ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश उर्दू दोनों अच्छे से समझते हैं, तो वो खुद ही प्रपोज करेंगे, भाई मैं इंशाल्लाह, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ड्यूरिंग क्लास भी मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी, आफ्टर क्लास भी मैं आपको बता दूंगा बता दूंगी। तो इस चीज को आप खुद भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए मुझसे ना पूछें अगर आपके पास क्लास में कोई मौजूद है जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक, ये लोग कह रहे हैं कि जी मैं कर सकता हूँ, तो मर्द मर्द का नंबर ले लें, खवातीन खवातीन का ले लें। इस चीज को खासतन बिल्कुल इसको एहतियात कीजिएगा, मर्द खवातीन आपस में कांटेक्ट बिल्कुल ना कीजिए, ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि क्लास एक टाइम पे एक ही होती है, तो इसलिए इधर हम बातचीत कर लेते हैं, वरना आप लोग आपस में पर्सनल प्राइवेट में कोई बातचीत ना कीजिए। अच्छा जी, जितने लोगों ने वीडियोस खोली में अपनी वीडियोस बंद कर दीजिए, इससे क्लास में डिस्टरबेंस होती है, नेट के भी इश्यूज होते हैं, हो सकता है मेरी आवाज खो जाए कभी आपका नेट डाउनलोड होने में, तो आप सब ने वीडियोस बंद कर दीजिए, खवातीन मर्द जिन्होंने भी खोली है सब ने वीडियोस बंद कर दें, मेरी वीडियो आप ना बंद कीजिए, वो आप देखते रहिए, ये आपको पढ़ने में हेल्प देगी इंशाल्लाह। एक तो ये काम हो गया। तो कोई भी अगर मुश्किल इस्तलाह है जो हमारे ट्रांसलेटर्स को भी नहीं समझ आ रही, वो यहीं पे पूछ ले मुझसे, भाई मैं अगर बातचीत में कोई मुश्किल टर्म यूज कर लेता हूँ, कोई बात यूज कर लेता हूँ, तो वो पूछ ले मुझसे। ठीक, आखिर में सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दें, हमारी तरफ लोड शेडिंग बहुत हो रही है, इसलिए प्लीज बता दीजिए अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, जजाकअल्लाह खैर। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि जी मैं आखिर में सब चीजें शेयर कर दूं, तो ये मैं शेयर नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि हमारी क्लास बहुत छोटी है, लेकिन हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक, तो अगर किसी के पास कोई लाइट का इशू है, नेट का इशू है, वो खुद किसी जगह पे बिजी है, घर में कोई खुशी का वक्त है, कोई कोई गमी का मौका आ गया, अल्लाह ना करे, बहरहाल लेकिन हर जिंदगी हर किसी के साथ है, तो वो अपनी क्लास को देर से व्यू कर सकता है। ठीक, अपनी क्लास को सुबह के टाइम, रात के टाइम, अगले दिन कभी भी व्यू कर सकता है, लेकिन एडवाइस क्या है कि आप ऑनलाइन क्लास में ही हैं जितना भी आ सकते हैं। ठीक, सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी,
ये कह रहे हैं जी मैं सबको नोट्स भी पॉइंट कर दूंगी, बेहतरीन। ये एक एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो नोट्स शेयर करना है तो वो ग्रुप पे नोट्स शेयर कर दें, डेली के नोट्स एक दूसरे से इस तरह हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ख्वातीन का ग्रुप बनाकर मुझे भी ऐड कर लीजिए। ख्वातीन का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, उसमें कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी वीडियोस को बंद कर दीजिए, बहुत से लोग आपकी वीडियोस से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ठीक, चलें जी पढ़ लें अब थोड़ा सा। कोई और भी आप लोग को इश्काल या सवाल है? चलें, बातें तो फिर होती रहेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले कुरान क्या है, कुरान की तारीफ क्या है, कुरान की तारीफ नोट कर लीजिए। कुरान के हर चीज के दो माने होते हैं, एक होता है लुगवी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। लुगवी माना क्या होता है? लुगवी माना कहते हैं किसी भी चीज के लिंग्विस्टिक मीनिंग को, लुगत में उसका क्या माना है। और एक होता है इस्तिलाही माना, वो क्या होता है, वो तो उसका टेक्निकल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, नमाज, इसको अरबिक में सलाह बोलते हैं। क्या कहते हैं? सलाह। तो सलाह क्या है? सलाह का अरबिक में लोहवी लिंग्विस्टिक मीनिंग है दुआ करना। लेकिन सलाह का इस्तिलाही टेक्निकल मीनिंग क्या है वो हम सब जानते हैं। वो जो हम सुबह शाम दिन रात दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, जिसमें रुकू भी होता है, सजदा भी होता है, कयाम भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सलाह कहते हैं। इसी तरह कुरान भी है, कुरान के भी लुगवी और इस्तिलाही माना है। कुरान का जो लुगवी माना है वो क्या है? जमा और शामिल करने वाला। जमा और शामिल करने वाला। ठीक, क्या मतलब? ये जमा और शामिल करने वाला किस चीज को है कि इसके अंदर किस्से भी हैं, किसस भी हैं, वाकयात भी हैं, अमर और नहीं भी है, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी लिखा हुआ है, आयात भी हैं, सूरतें भी हैं। इस कुरान ने सबको जमा कर लिया है, इसलिए इसका नाम कुरान है, जमा और शामिल करने वाला। एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा कुछ सेटिंग कर लूँ।
चले जी, अभी मैंने आप लोग की ये चैट डिसेबल कर दिया, तो ये जब आखिरी 5 मिनट रह जाएंगे मैं फिर इसको ऑन करूँगा, तो जो आपका जो भी ज़रूरी सवाल है वो कर लीजिएगा, ये मुझे भी और बाकी लोगों को भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। चले जी, कुरान का लघवी माना है जमा और शामिल करने वाला, या फिर जमा और शामिल करना, ये कुरान का लघवी माना है। एक माना ये भी बयान किया जाता है, ज्यादा पढ़ने वाली चीज उसको भी कुरान कहा जाता है, ठीक, ये इसका लघवी माना है। और इसका इस्तिलाही माना क्या है, टेक्निकल मीनिंग क्या है, इसका टेक्निकल मीनिंग है, लिखना चाहिए, लिख लीजिए अरबिक में, हुआ कलाम अल्लाही المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته, اردو میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام, المنزل على محمد, جو نازل کرتا ہے یا نازل کیا گیا ہے, अला मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, अल्मुताअब्बदु बितिलावती, और इसकी तिलावत करना इबादत है। कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया गया है, और इसकी तिलावत करना ये इबादत करार दे दिया गया है, ये कुरान है, ठीक। इसी तरह एक कुरान की इस्तिलाही तारीफ ये भी की गई है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, सहीफों में लिखा गया, और हम तक बिलाशुबा तवातुर से मनकूल है। मैं रिपीट करता हूं, अल्लाह ताला का वो कलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, सहीफों में लिखा गया, और हम तक बिलाशुबा तवातुर से मनकूल है। तवातुर अरबिक में कहते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी के साथ, यानी एक स्ट्रॉन्ग चेन के साथ कुरान कंटिन्यूसली हम तक पहुंचा गया, उसको तवातुर कहते हैं, यानी कई लोगों ने इस कुरान को हम तक पहुंचाया, इतने लोगों ने पहुंचाया कि आप इसकी एग्जिस्टेंस में डाउट ही नहीं कर सकते, आप इसके वजूद का इंकार तो बहुत दूर की बात, आप इसमें शक भी नहीं पैदा हो सकता कि ये कुरान इतना सभी तब्दील हुआ है। तो सबसे पहले कुरान के लघवी माना और इस्तिलाही माना मैंने आपको बताए, इसी के साथ साथ कुरान के कुछ और माना भी हैं, कुछ और नाम भी हैं, कुरान के कुछ और नाम भी बताए गए हैं, वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले अल कुरान, कुरान का पहला नाम अल कुरान है। नंबर टू, कुरान का दूसरा नाम अल फुरकान है। कुरान का तीसरा नाम अल जिक्र है। कुरान का चौथा नाम अल किताब है। कुरान का पांचवा नाम अत तंजील है। ये मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। अल फुरकान, नजर आ रहे जी, अत तंजील, अल किताब,
और क्या बताया था? अज़िक्र, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा, ठीक। अज़िक्र, ये कुरान के कुछ नाम हैं। ठीक है जी। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं, कि मैंने आप सबको बता दिया कि कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि ये शामिल करने वाली माना इसके कुरान ये हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है इसलिए इसका नाम हमने कुरान रखा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब थोड़ी सी चैट आप लोग के लिए खोल देता हूँ। इस कोई और सवाल नहीं, जो इस बात जो आपको पढ़ाई है इससे रिलेटेड कोई सवाल हो वो कीजिए। जी चैट खुल गई है, जो सवाल आप करें पूछ लीजिए। इस्तलाही मानी पहले वाले, शामिल करना और जमा करना कुरान के दूसरे नाम ये लिखे हुए हैं, अल फुरकान, तंजील, जिक्र और अल किताब। जी मुतवातिर को कंटिन्यूटी कहा था मैंने, तवातुर, सही। अच्छा ये भी सुन लीजिए, फुरकान का क्या माना है? फुरकान का माना है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। नेम्स इंग्लिश में लिख दें जी, कोई इनके लिए नेम्स इंग्लिश में लिख दे, टाइप कर दे, अल फुरकान, अज़्ज़िक्र, किताब, तंजील। अगला क्वेश्चन है कि कुरान कुरान को दूसरी आसमानी किताबों, इल्हामी व गैर इल्हामी, या फिर ये कह लीजिए मुनज्जल किताबों के दरमियान। अच्छा जी बस इतने सवाल नहीं, अब मैं जरा बंद कर रहा हूँ जी। कुरान को दूसरी किताबों के मुकाबले में कौन सी खसूसियात हासिल है? खसूसियात किस चीज को बोलते हैं? खसूसियात बोलते हैं स्पेशलिटीज। कुरान को क्या प्लस पॉइंट्स हासिल है, या फिर कुरान में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो दूसरी किताबों में नहीं है? ये तकरीबन 5 से 6 आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। कुछ हम अभी पढ़ लेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में, क्लास का वक्त भी खत्म होने वाला है। नंबर 1, कुरान करीम वो किताब है जो जब से नाजिल हुई तब से लेकर अब तक महफूज है, प्रिजर्व्ड है, सिक्योर्ड है, और इसकी हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने उठाई है। ऐसी किताब जो जब से नाजिल की गई, जमाने नुजूल से आज तक ये किताब महफूज है, और न सिर्फ महफूज है बल्कि इसकी हिफाजत का जिम्मा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने उठाई है। नंबर 1। नंबर 2, ये वो किताब है जिसकी तिलावत एट अ टाइम
पूरी दुनिया में, बल्कि ये कह लीजिए हर वक्त दुनिया में इस किताब की तिलावत की जा रही होती है। बाइबल ऐसी किताब नहीं है, या फिर कोई और भी कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसकी एट अ टाइम आप कह ही नहीं सकते कि इस वक्त इस कुरान की तिलावत नहीं की जा रही होगी। हर वक्त दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं ना कहीं इस कुरान को जरूर पढ़ा जा रहा होगा, बल्कि कहीं ना कहीं क्या मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा होगा, हर छोटे इलाके में ही। मैं ये कहता हूं कि हर वक्त कोई ना कोई इस कुरान को पढ़ रहा होगा, 24 घंटे में कोई सेकंड नहीं होगा, कोई मिनट नहीं होगा कि जब कोई इस कुरान की किताब की तिलावत ना कर रहा हो। नंबर टू, नंबर थ्री, ये वो किताब है कि जिसका तर्जुमा दुनिया की तकरीबन हर जबान में हो गया। ये वो किताब है जिसकी ट्रांसलेशन दुनिया की हर लैंग्वेज में हो चुका है। ये वो किताब है नंबर थ्री। नंबर फोर, इस कुरान की इशाअत, इशाअत किसको बोलते हैं, प्रिंटिंग, इस कुरान की प्रिंटिंग तमाम कुतुब से, दुनिया की जितने भी कुतुब हैं आप उनकी प्रिंटिंग क्वांटिटीज उठा लें, एक कुरान की प्रिंटिंग क्वांटिटी उठा लें, ये कुरान सबको पीछे छोड़ गया इस हवाले से। नंबर फोर, ये वो किताब है कि जिसके कारियों, इसके पढ़ने वालों, लिखने वालों, तफसीर करने वालों, उनकी भी जिंदगियां महफूज हैं, लिखी गई हैं, उनके भी हालात जिंदगी भी लिख दिए गए हैं। और आज का आखिरी खुसूसियत जो कुरान को, वो स्पेशलिटी जो कुरान को हासिल है, दूसरी किताबों को नहीं है, वो क्या कि कुरान, यानी यहां तक कि हदीस की किताबों को भी नहीं है, कुरान का एक हर्फ पढ़ने वाला उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 10 नेकियां मिलती है। कुरान का एक हर्फ पढ़ने से इंसान को 10 नेकियां मिल जाती हैं, 2 पढ़े तो 20, 3 पढ़े 30। ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन वमीमुन हर्फुन, अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। तो ये 5 खसूसियात मैंने आपको बताई हैं, ये कुरान की खसूसियात हैं जो दीगर और किताबों में और बुक्स में नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी थर्सडे को है, उसमें हम मजीद कुछ स्पेशलिटीज खसूसियात की बात करेंगे। तो आप लोग इंशाल्लाह ये जो आपने लिखा है इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। जी, कोई अगर ये जो उसने खसूसियात अपने पास लिखी हैं पॉइंट वाइज वो यहाँ मेंशन करना चाहे, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बेहतरीन ये काम किया जिसने भी किया, माशाल्लाह, ये आपने शेयर कर दी, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह आप सबको इसकी बेहतरीन जजाए खैर दे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ फिलहाल आपको नहीं मिल सकती, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आप उन्हीं से नोट्स कॉपी कर लें, शेयर कर लें। जो मैं जिन बुक से पढ़ाता हूँ उनमें उमूमन ज्यादा होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो बाज़ औक़ात समझ में आने वाली नहीं होती, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करता, फिर वो सवालात पैदा होते हैं, क्वेश्चंस पैदा होते हैं, फिर कभी कभार डिससेटिस्फेक्शंस भी हो जाती है।
इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूंगा चीजें, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ आप नोट कीजिए। ठीक, और कोई सवाल? सवाल ये बहुत आ रहा है, पढ़ने वालों की लाइफ कैसे प्रिजर्व है? मकसद ये है कि जो इस कुरान को कसरत से पढ़ते हैं या माजी के जो कारी थे, असाध्जा थे, उनकी भी लाइफ आपको किताबों में मिल जाती हैं। ठीक, उनकी भी लाइफ की स्टोरीज आपको मिल जाती हैं, उनके उस्ताद कौन थे, उनके शागिर्द कौन थे, किसने कुरान किससे सीखा, किसने कुरान किसको सिखाया, ये चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक, जी बिल्कुल, माहिरीन किरात और माहिरीन तफसीर की बायोग्राफी भी प्रिजर्व है, इस पॉइंट का ये मतलब था। मैं उसूल उल कुरान की पॉइंट्स बताने वाला था, ये जो बता रहा हूँ ये उसूल कुरान ही है। ठीक, कुरान मींस कलेक्शन, कुरान के लोग भी माना कलेक्शन के हैं, लेकिन कुरान को कुरान इसलिए भी बोला गया कुरान पढ़ा जाता है। लफ्जी इस्तिलाही में फर्क, लफ्जी लिंग्विस्टिक मीनिंग और इस्तिलाही टेक्निकल मीनिंग को कहा जाता है। जी तफसीर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। जी कौन सी तफसीर पढ़ाएंगे? ये मैं दो तीन तफसीरों से पढ़ के आता हूँ, उसी में से आपको एक तफसीर पढ़ाऊंगा। ठीक, एग्जाम्स कब होंगे? अभी बिस्मिल्लाह तो करें, एग्जाम्स भी हो जाएंगे इंशाल्लाह 3 से 4 महीने बाद आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक, चलें जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.